कुछ दुकानों में जो राशन बट रहा है, बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं। कुछ दुकानों में राशन खत्म हो गया है, वहाँ पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ, चिंता मत करो, राशन हम रोज केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बंटवा रहे हैं। तो आपका राशन आएगा, हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। जिस जिसके पास राशन कार्ड है राशन की दुकान से, उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो आप वहां पे अगर आज मान लीजिए राशन बंद हो गया, खत्म हो गया, तो चिंता मत करना, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अगले 3-4 दिन में सबको राशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको भी राशन का इंतजाम कर रहे हैं। वो भी सारी कार्रवाई, रोज मैं मीटिंग ले रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है इसका कि कहाँ से राशन उठाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारा हम कर रहे हैं, उनको भी राशन देंगे। तब तक आप सब लोग जिनके घर में राशन नहीं है, आप सब लोग जो जो गरीब हैं और खाने को नहीं है, आपके लिए हमने जगह जगह किचन लगाई है, खाने का इंतजाम किया है। अभी लगभग 800 जगहों के ऊपर दिल्ली सरकार खाना खिला रही है। कल से 2,500 स्कूलों में और लगभग 250 नाइट शेल्टर्स में, 3,500 सेंटर्स के ऊपर खाना बंटना चालू होगा और एक एक सेंटर में लगभग 500-500 लोगों के खाने का इंतजाम होगा। तो आज तक हम लोग 3.5 से 4 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे डेली, कल से हमारे पास 10 से 12 लाख लोगों को हम खाना खिला पाएंगे। मुझे लगता नहीं इतने लोग खाना खाने के लिए आएंगे, लेकिन इस पे हमने काफ़ी सोच विचार किया। अभी जहां हम खाना खिला रहे थे वहां खाना खाने वालों की भीड़ उमड़ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा इसको बहुत ज़्यादा सेंटर बना देते हैं। तो लगभग 3,500 सेंटर्स में कल से खाना मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वहां पे सेंटर्स के ऊपर लोगों की भीड़ नहीं होगी, हम 10 से 12 लाख लोगों को खाना खिला पाएंगे, लेकिन शायद इतने लोग खाना खाने के लिए ना आए।